छतरपुर के बक्सवाहा थाना क्षेत्र से फायरिंग की घटना सामने आई है। इस फायरिंग में सरपंच ने रोजगार सहायक को गोली मार दी और घायल कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल रोजगार सहायक को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में रोजगार सहायक की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच मलखान लोधी सहित 3 अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये अपने दर पर गंभीर हालत में रात में 12 बजे के समथिंग आए हुए थे, जबकि इनका गोली लगने का जो समय लगभग 7 से 8 के बीच में बताया जा रहा था, क्योंकि उनके दाहिने पैर पे जो अपना देसी कट्टा होता है उसके माध्यम से गोली चलाई गई थी। बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें तो उनके लिए नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एज ए प्रिकॉशनरी, ताकि कोई छर्रे वगैरह अंदर ना रह जाए, तो इसकी वजह से उनके लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। ये चाचीखेड़ा गाँव थाना बक्सवाहा अंतर्गत आता है, वहाँ पे जो रोजगार सहायक हैं बाबूलाल आदिवासी, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको कुछ लोगों ने गोली मारी है, और चूंकि कंडीशन सीरियस थी तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह चले गए। नियर बाय जो हॉस्पिटल था वहाँ से हमारे पास देहाती नालसी आई है, और देहाती नालसी में 307 SC स्टेट और आर्म सेट की FIR हुई है, जिसमें 4 आरोपी हैं।